कहां तक? प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब के बाद में दर्पण, हेडिंग डालो गोलीय दर्पण, फिर लिखो थोड़ा सा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। क्या बताओगे? जैसे कि मिरर क्या होता है, ऐसे मान लें क्या होता है, गोलाकार ही तो होता है ना, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, कांच का कटा हुआ खोखला गोला होता है, कांच का कटा हुआ है, कांच का कटा हुआ वो भाग जिसके एक सतह पर क्या हो, कलई हो, चाहे वो लाल ऑक्साइड की पेंट हो, है ना, ठीक है। तो लिखो हेडिंग इसमें लिखिएगा गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग होता है, कटा हुआ वो भाग होता है जिसके एक तल पर, जिसके एक तल पर पारे की कलई, जिसके एक तल पर पारे की कलई, जिसके एक तल पर किसकी कलई, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट। यह लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हेडिंग डाल के क्या लिखा है, कांच का कटा हुआ वो खोखला गोला जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का क्या होता है, पेंट होता है, क्या कहलाता है, दर्पण। तो जैसे ये खोखला गोला है तुम्हारा, हमने क्या किया, ये काट दिया, यहां से क्या कर दिया, काट दिया, काटने के बाद तुम्हारा इसी टाइप का तो बनेगा ये ऐसा, हाँ, इसके एक साइड क्या है, कलई है, तो हमने एक साइड ये पेंट कर दी, क्या कर दी, पेंट। और जैसे ही पेंट की तो ये एक दर्पण बनेगा, और फिर एक बार ऐसे ही करके ये एक और कर दे, अरे 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 इधर साइड, एक बार इधर साइड पेंट करना, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। तो ये दो प्रकार से पेंट हुई, ये मिरर है, इसे M1 M2 नाम देते हैं, हाँ ओके। इसके बाद डालिएगा दर्पण के प्रकार, इसी में दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। अच्छा, दर्पण के प्रकार में क्या लिखोगे, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, नंबर एक कौन सा होता है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं बेटा, गोलीय दर्पण के प्रकार है, किसके प्रकार है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण, ठीक है, समझ में आया। पहली हेडिंग डालो अवतल दर्पण, परावर्तन मतलब कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, हेडिंग डाली। अच्छा, इसमें क्या लिखोगे, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होगा, कौन से, दबे हुए, मतलब अंदर का तल जो है वो दबा हुआ है, तो जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होता है कौन सा होता है, अवतल दर्पण, और जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। तो पहली हेडिंग लिखिए अवतल दर्पण में, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होता है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होता है,
अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। क्या समझ में आया? ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन कैसे तल पर होता है, दबे हुए तल पर, कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण ठीक उल्टा, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए, हाँ लिख लो, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है, कौन सा कहलाता है? उत्तल दर्पण। लिख लिया, फिगर बना लो दोनों। अच्छा ये बताओ बेटा, ये कौन सा दर्पण है, ये वाला? कौन सा है? अवतल। बना लो फिगर, ये कौन सा है? M1 M2, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। ये कौन सा है बेटा? उत्तल दर्पण। इसका नाम मिरर की वजह से M1 M2 दे रहा है ना, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। दोनों फिगर बनाइए, एंड देन आगे बात करते हैं। हो गया राइट। हो गया, हेडिंग डालो, दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, कुछ तो चीजें पढ़ेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हो गया, इसमें सबसे पहली पहले परिभाषा क्या करेंगे? वक्रता केंद्र। हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डालो हेडिंग, डाली, जरा समझ लो थोड़ा सा। अच्छा बता ना, दर्पण जो है वो खोखले गोले का भाग है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग है ना, तो क्या? अच्छा, इसका केंद्र ही तो वक्रता केंद्र होगा, तो क्या बोलोगे? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो देख लो, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का
कटा हुआ भाग होता है दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखो बेटा, ये दर्पण जो है इसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है ना, काटा था तो इसका केंद्र कहीं यहां होगा, तो ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब भेटिंग डालो वक्रता त्रिज्या, चूंकि केंद्र है तो त्रिज्या भी होगी, चूंकि गोला है और गोले के अंदर क्या होता है, त्रिज्या होती है। भेटिंग डालो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। नहीं, वक्रता त्रिज्या क्या लिखोगे? वक्रता त्रिज्या क्या लिखोगे? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। कहते हैं, नई लाइन से थोड़ा लिखिएगा, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लिख लिया? नई लाइन से लिखिए, तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तथा उसकी वक्रता तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिया? या दर्पण के वक्रता केंद्र, बेटा दर्पण का वक्रता केंद्र ये है, इसका ध्रुव ये होगा पी, पोल होगा। अभी ध्रुव की डिफिनेशन लिखाएंगे तब समझ में आएगा, है ना? इसी के बाद ठीक तुरंत लिखाएंगे, ये क्या है, ध्रुव। तो बेटा क्या बताओगे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव ये है और इसकी यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, तो ये आकर के ये भी लिख लो, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा लिखते चलो बेटा, देखो हिंगवा डालो यार, वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हाँ, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या है तो रेडियस आर से प्रदर्शित करते हैं, राइट? लिख लो, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग डालो दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक।
दर्पण का द्वारक। जरा देखो, हेलो, कोई भी दर्पण है, कोई भी क्या है, दर्पण है, जितने में प्रकाश की किरण कर पड़े और पड़ने के बाद कैसी हो जाए, परावर्तित हो जाए, है ना, उसे दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक। तो क्या बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, किसके व्यास को, परावर्तक तल तुम्हारा इतना ही तो है यहां से लेके यहां तक, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक, ये व्यास ही तो होगा ना, आधी उधर की आधी है ना, तो क्या लिखोगे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक, लिख लो, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक परावर्तक दर्पण के परावर्तक तल के दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। पहले पढ़ा, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का, जो चीज यार समझ में ना आया पूछ लेना, अभी रिवीजन एक बार और देख लेंगे, नहीं लग रहा, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अच्छा, दर्पण का द्वारक अगर ये है तो इसका मध्य बिंदु P ये है ना, इसे हम लोगों ने ध्रुव बोला था थोड़ी देर पहले, तो हेडिंग डालो ध्रुव, किसे कहते हैं ध्रुव, थोड़ा समझ में आ जाए चीज क्या है, क्या डालेंगे हेडिंग, ध्रुव, ध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल, लोन, पोल, लिख लिया। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारा परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल, इसका मध्य बिंदु यही तो है, बोलो, परावर्तक तल तुम्हारा ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, बीच में तो है ना, इसी को क्या कहते हैं दर्पण का, इसी को क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव, तो क्या बोलोगे, दर्पण के परावर्तक तल के, किसके, परावर्तक तल के क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, लिख लो, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का, ये भी बोल सकते हैं दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। भाई परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक, यही तो बताया था, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का, और द्वारक का मध्य बिंदु ही तो P है, तो इसे ये भी लिख सकते हैं क्या, दर्पण के परावर्तक, नहीं, दर्पण के द्वारक, किसके, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, याद रहेगा। अच्छा हेडिंग डालो मुख अक्ष, कैसे कहते हैं मुख अक्ष, मेन अक्ष, स्मॉल आर लिख दो यार, क्या जाता है, जो सही लगे, रेडियस है क्या जाता है, मुख अक्ष, मुख, मेन एक्सिस, अच्छा बेटा ये बताना, मुख्य कहलाते,
क्या लिखेंगे बेटा? दर्पण की वक्रता केंद्र सी है। हेलो ध्रुव क्या है? सी। और ये क्या है? पी। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुखज कहलाती है। देख लो, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष कहलाती है। मुख अक्ष। अब बेटा बात करते हैं मुख फोकस पे। किस पे? मुख फोकस। मुख फोकस, देखो थोड़ा 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 थोड़ा, धीरे 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 धीरे। मुख फोकस है ना? देखो थोड़ा पहले समझ लो, इसमें फिगर बना लेना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें बना लेना है ना, मुख फोकस। मुख फोकस, अरे मजा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मजा। थोड़ा ठीक ठाक बनाता है। M1 M2 नहीं, ऐसे कोई व्यवहार नहीं कमाते। ये वक्रता केंद्र सी है। सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? मुखच कहलाती है। लिखा उतना ही है ना? ये दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक का मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। याद रखना, हमने क्या बताया? मुख फोकस। क्या पूछा है? मुख फोकस। तो बताओ कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। अच्छा, मुख अक्ष के समांतर आएगी, जिस एंगल से जाएगी ऐसे आएगी। ऐसे ही तो है, मुख अक्ष के समांतर है यार, यही तो तुम्हारा मुख अक्ष है। इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पथ से, चूंकि पीछे है पॉलिश, अगर पॉलिश होगी तो क्या होगा? लाइट बाहर जाएगी या बैक करेगी। परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को, किसको? जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख फोकस। कुछ समझ में आया? क्या बताया? मुख अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। ये मुख अक्ष को काटा, जिस बिंदु पर काटा उसे क्या कहते हैं? मुख। वेरी गुड, लिखो मुख। पहले तो हाँ, पहले फिगर बना लो। एक कोने में ये पेज का एक कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे तुम्हें भी बनाना है ऐसे ही। मुख फोकस छाप लो, फिगर बना एंड देन लिखो। आ रहा है? कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो उड़ा हो? अगर उड़ा है तो अभी एक बार कैच करने की कोशिश करेंगे फिर से। नहीं लग रहा? सिर्फ डेफिनेशन ये पूरी हो जाए, सिर्फ डेफिनेशन करा दे रहे, नहीं सही रहेगा? नेक्स्ट डे वो कर देते हैं रे डायग्राम।
मजाक। हेलो, हो गया क्या? हुआ गुलफान? हुआ हो गया। लिखिए, मुख कच्छ के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। जाने वाली नहीं, आने वाली। कैसा? आने वाली। मुख कच्छ के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख कच्छ के समांतर, हाँ, मुख कच्छ के समांतर आने वाली, मुख कच्छ के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात। परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख फोकस। उस बिंदु को मुख फोकस कहते क्या समझ में आया बेटा? मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये समांतर गई, परावर्तन यहां से हुआ, मुड़ी, और ये मुख अक्ष को कहाँ काट गया? यहाँ। ये तुम्हारा क्या? मुख याद रहेगा। अच्छा, मुख फोकस हो गया तो फोकस दूरी भी होगा। चलो ये ठीक है, हेडिंग लो, फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकल लेंथ है ना? हाँ, फोकस दूरी। हाँ, बहुत सही, तुम आगे तक जाओगे। फोकस दूरी पढ़ गया। देखिए बेटा, हेलो, ये तुम्हारा मुख फोकस है, ये वाला, ये क्या है? मुख मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। आराम को रेखा। बहुत याद आ रही है, क्या बताया? ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच की क्या कहलाती है? फोकस दूरी। लिख लो, फोकस दर्पण के ध्रुव तथा, दर्पण के ध्रुव तथा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस, फोकस के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच की फोकस दूरी कहलाती है। इसमें स्मॉल एफ से प्रदर्शित करता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। का बात पल्ले पड़ी? पढ़ी, थोड़ी थोड़ी पढ़ी, मजाक वाले। अब कौनो लिख लो यार, हो गया तो क्या समझ में आया? मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमने क्या बताया? कांच का कटा हुआ खोखला गोला होता है। क्या होता है? खोखला गोला, या कांच का कटा हुआ वह खोखला गोला जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड की क्या होती है? पेंट। क्या? कांच का कटा हुआ वो खोखला गोला। किसका कटा हुआ? कांच कटा हुआ वो खोखला गोला जिसके एक तल पर क्या होती है? कलई। किसकी? पारे की कलई हो सकती है या लाल ऑक्साइड की। याद रखना, क्या होती है? कलई मतलब पेंट होती है।
क्या होती है? पेंट होती है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का था, कौन कौन सा? अवतल दर्पण और, अच्छा अवतल दर्पण किसे कह रहे थे? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कह रहे थे? ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होता है, यही बताया था ना। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अच्छा दोनों दर्पण हो गए। फिर हमने बताया दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, परिभाषाएं ये थी। सबसे पहला क्या पढ़ा था? वक्रता। क्या बताया? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, या दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अच्छा फिर हमने बात की थी ध्रुव की भी। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव नहीं, पहले बात कर लेते। दर्पण के परावर्तक तल या दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अच्छा दर्पण का द्वारक यही तो है, दर्पण का द्वारक तो यही है। तो क्या बताओगे? परावर्तक तल के व्यास को। किसके व्यास को? दर्पण का द्वारक, याद रहेगा परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक। अच्छा परावर्तक तल के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अच्छा दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को है ना दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसके मध्य बिंदु को? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का। अच्छा ध्रुव और वक्रता केंद्र, किसके? ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यहां से यहां तक, अरे बीच की दूरी, अरे पगलू, पी और सी के बीच की दूरी, सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है यार, क्या कहलाती है? तो इसको वक्रता त्रिज्या कहते। अच्छा इसके बाद हमने पूछा मुखच्छ किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली मुखच्छ कहलाती। अच्छा फिर इसके बाद में हमने बात की मुख फोकस किसे कहते हैं? हो गया हो गया हो गया हो गया ना, हो गया। बता बेटा तू अब, सामान्य अभी बहुत बोल रहा था, अब हवा निकल गई। बताओ बताओ नितिन बेटा, सामान है भी नहीं। नितिन बता बता बेटा, कौन सी किरण भाई? हाँ तो बोलो। भूल गए? आराम को सुनोगे तब ना। हाँ बेटा बेटा सक्षम बताओ। यही बताया था, मुखच के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख फोकस। अच्छा मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, याद रहेगा। कितना टाइम हुआ देखो जरा एक बार, 1:35 या 40, 2:45, कितना हुआ? कितना हुआ? अभी तो जाए दो।
कहाँ पे घुमाएंगे हम फोकस था। ऐसा कुछ नहीं, गणित की कॉपी बहुत बार जाएगी। एक तुम साइंस की बना लो, एक गणित की लगा लो। साइंस की बनानी है यार, और साइंस तुम क्या लगो। चलो फोकस तल लिखिए। वह तल, फोकस तल में लिखिए, वह तल फोकस तल लिखिए, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है, मुख्य फोकस में से होकर जाता है, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है, फोकल प्लेन। आप हेडिंग डालिएगा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये जरा समझाते हैं, एक रे डायग्राम कल बनवाएंगे अच्छे से। सात ये सीख गए, बहुत कुछ चीजें आ जाओगे, अपनी मर्जी से बनाओगे, सही। डालो हेडिंग प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिएगा। प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित दो नियम हैं, कुल कितने नियम हैं? दो। प्रतिबिंब बनने के कुल दो नियम हैं, अच्छा पहला नियम यही वाला है, कौन वाला? वही जो मजाक किए थे अभी थोड़ी देर पहले, कौन? अभी थोड़ी देर पहले M1 M2 ये तुम्हारा है दर्पण, इसमें कर देते हैं पॉलिश, हाँ इसका मध्य बिंदु P ध्रुव, और इसके बाद में ये F और ये C। बात क्या की थी? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यहां से आने वाली, ऐसे गुजरने वाली, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या कहलाती है, मतलब जिस बिंदु पर काट दी थी उसे मुख्य फोकस कह रहे थे। लेकिन ये पहला नियम है क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं अपवर्तन हो या परावर्तन हो कुछ भी हो रहा हो, गुजरेगी तुम्हारी मुख्य फोकस से, याद रखना कहां से गुजरेगी, तो क्या बोलोगे, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। लिख लो पहला नियम क, लिख लो, लॉज ऑफ मेकिंग इमेज हिंदी में लिख लेता है, है ना, लिख लो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ और फिर पहला नियम लिखो मन से, हाँ मन से लिखना यार, हाँ जी हेलो।
क्या इमेज बन गई, मतलब उधर बना लिया। अभी इधर लिख लो, मुखच के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुखच के समांतर चलने वाली, ना आने वाली ना जाने वाली, मुखच के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर गुजरती। परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर गुजरती है। मुख फोकस से होकर गुजरती है। हाँ, होकर गुजरती है। लगा तो है यार, इतना ही है। दूसरा नियम, दूसरा पहला हो गया, दूसरा बेटा। हेलो हेलो हेलो, दूसरा मुख फोकस से अगर होकर कोई किरण आए, कैसी आए? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुख फोकस से होकर आई, परावर्तन के पश्चात मुख कच्चे के कैसी हो जाती है? पल्ले पड़ा, वही है, लिखो। मुख फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से गुजरने वाली किरण, या मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात के पश्चात, किसके पश्चात बेटा? परावर्तन के पश्चात मुख खच के समांतर हो जाती है। देख लो, परावर्तन के पश्चात मुख खच के समांतर हो जाती है, मुख खच के समांतर हो जाती है। ये तो हर लोगों का दूसरा नियम था। बनाओ फिगर। अरे बेटा कहाँ जाओगे बेटा? बनी है क्या बन गो? कहाँ पे? घरे? अच्छा, जा तो तब बना था, याद आ रही है। अच्छा, इसी में एक और रूल लिखोगे? लिख लो धीरे से यार, मजाक तो करनी आती है ना, कर लो। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट आती है। समझ में आया? वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण होकर जाती है वो उसी रास्ते से वापस लौटती है। वक्रता केंद्र, लिखो यार लिखो। और तीसरा पॉइंट डाल के, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण की किरण परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से वापस लौट आती है, या उसी रास्ते से वापस लौट आती है, पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। मार्ग बोल दो, रास्ता बोल दो, या उसी बिंदु बोल दो, चूंकि उसी बिंदु से जब ही गुजरेगी जब उसी रास्ते से जाएगी। समझ में आया? मतलब परावर्तन से जाने वाली प्रकाश की किरण, परावर्तन है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की परावर्तन के उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जय बजरंगबली बाबा की। खत्म करते हैं आज का, कल आगे करेंगे हम लोग कहानी।